नवीन भाई, एमआईडीसी की जमीन पर बसे तूर्बे झोपड़पट्टी के हजारों नागरिक पानी की लत से बेहाल हैं। सानी शिवसेना नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने बताया कि तमाम मांगों और वादों के बावजूद महानगर पालिका प्रशासन तुर्बे स्टोर्स इलाके में पानी सप्लाई को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात जल्द नहीं सुधारे गए तो महिलाओं को लेकर 1 जुलाई को मनपा मुख्यालय पर हंडा मोर्चा निकालेंगे। देखिए रिपोर्ट। पाटील सिटी इंडिया हा फक्त उडवडोजे उतर करतात, फक्त कमिशनर साहेबांसमोर मीटिंग होते, त्या मीटिंगची काही ते फॉलोअप होत नाही। काय त्या ठिकाणी 2 दिवस इथं राहून दाखवा म्हणा, त्याला कळ त्या गोष्टी काय करायचं इथं लोकांना। आपले स्वतःचे मुरबे धरण असताना आम्हाला लाज वाटते पाणी त्यामुळे, आणि वरून तुम्ही नवीन मला मिळवत फिरते की त्या ठिकाणी आम्ही 24 तास पाणी देतो। तुर्बे स्टोर्स की झोपड़पट्टियों में हो रही पानी किल्लत ने नागरिकों का गुस्सा बढ़ा दिया है। इसे लेकर सानी शिवसेना नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने अब हंडा मोर्चा निकालने की तैयारी कर ली है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश कुलकर्णी ने बताया कि बीते 1 साल से वे मनपा आयुक्त से मिलकर समुचित पानी सप्लाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्य अभियंता संजय देसाई के चलते यहाँ कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आखिर खुद का मोर्बे डैम होकर भी तुर्बे स्टोर्स की जनता कब तलक प्यासी रहेगी। सुरेश कुलकर्णी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि जल्द हालात नहीं सुधरे तो 1 जुलाई को मनपा मुख्यालय पर हंडा मोर्चा निकालेंगे। हमको शर्म आ रहा है इस बात का, आप तो सब पूरा दुनिया के बोल रहे कि हमारा मोर्बे धरण है, हमको पानी का कोई टेंशन नहीं। इतना सब होते हुए अगर पानी का टेंशन है, फिर हमको मोर्बे धरण का क्यों पानी नहीं दे रहे? क्या पाइपलाइन नहीं डाल सकते? अपना करोड़ों रुपए आप आज स्वच्छ भारत अभियान में खर्चा कर रहे ले। आज अगर हम लोग को पाइपलाइन देगा तो नहीं होगा। मोरबे धरण का अगर वरण फाटी से अगर लाइन देगा तो दिगत अलग ही जाएगा, तो ये एमआरडीसी का प्रश्न छूट जाएगा। लेकिन इसमें सिटी कमिश्नर बोला भी उनको, झोपड़पट्टी के इधर का पानी का एक अलग स्टॉप करेंगे, हनुमान नगर इधर का, तुर्बा स्टोर, इंदिरा नगर, गणेश नगर का, और इंदिरा नगर के लिए और बोनसुरी, चुनाभट्टी, शिवाजी नगर, ये जो भी परिसर है उस जगह पे भी उन्होंने कहा है कि हम लोग एमआरडीसी से अलग कि उस जगह पे उनको एक अलग पॉइंट देंगे, पानी ज्यादा मांग करके उस जगह पे पानी की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने 4 बार मीटिंग लगा के बोला कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर साहब बोल के भी ये सिटी इंजीनियर काम नहीं कर रहे। इनको क्या एलर्जी है कि कुछ समझ में नहीं हमारा झोपड़पट्टी का? पहले डगावकर साहब थे, वहां पर कोई पानी की दिक्कत नहीं था, तब से ये आया बैठा, तब से ये हम लोग को पानी का सब दिक्कत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही अगर चलते रहेगा, हम लोग 1000 बार जाके मिला है तो इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहे। तो उन्होंने हम लोग उसके लिए अभी ये 1 तारीख को कदम उठा के सब हंडा कलशी मोर्ची महानगर पालिका में लेके जाएगा हम लोग का, इतना ही होगा। तो सवाल ये है कि क्या मनपा अभियंता संजय देसाई के चलते ही तुर्बे स्टोर्स और आसपास के झोपड़पट्टी इलाके प्यासे हैं? TV1 इंडिया ने जब मुख्य अभियंता से इन आरोपों पर जवाब मांगा तो उन्होंने सफाई दी कि औद्योगिक क्षेत्र में बसे कुछ इलाकों में पानी किल्लत जरूर है, लेकिन तुर्बे स्टोर्स जैसे कई इलाकों में पानी टंकी बनाने और वहां वैकल्पिक पानी सप्लाई देने का काम चल रहा है। जहां दिक्कतें ज्यादा है वहां मोर्बे का भी पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। आप भी सुन लीजिए मुख्य अभियंता ने क्या कुछ कहा। सुरेश कुलकर्णी जो शिवसेना के नगर सेवक हैं तुर्बे स्टोर में, उन्होंने आपके ऊपर आज सवाल उठाया कि जब से आप आए हैं तब से तुर्बे स्टोर में पानी की प्रॉब्लम हो गई है, कमिश्नर से लगातार मीटिंग हो रही है, इसके बावजूद आप वहां पर वादा करते हैं लेकिन आप काम नहीं करते, इसलिए लोग प्यासे हैं। एमआईडीसी का पानी का प्रॉब्लम हो गया, ओवरऑल पूरा उनका इसमें सब सब प्रॉब्लम भी है, सब 80 ml पानी देने वाले थे वो 65 थी, 15 ml का प्रॉब्लम है। और एमआईडीसी का जो प्रॉब्लम है लास्ट एंड क्या नाम महात्मा गांधी नगर उनके प्रॉब्लम नहीं आया, अगुंडे का वार है उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उधर बाकी लोगों का कुछ कंप्लेंट नहीं है। यही सब तो मेरे आगे इसमें बोल रहा है, अभी उनका जो पानी इंद्रा नगर और ये सुने पानी चाहिए वो एमआरडीसी ने कंट्रोल किया है, अभी इससे पानी उनको नहीं मिल रहा है। अब दूसरा हम लोग उनके एरिया में मैं आने के बाद जो पानी का टंकी का काम चल दिया है, 1.5 करोड़ का पाइप में डालने का काम चल दिया है,
तो मेरा ध्यान नहीं रह गया था कैसा है, वो कभी फीमेल इंजीनियर को पूछते थे, डिप्टी इंजीनियर को पूछते हैं, जो चीज उसके ऊपर है उसके ऊपर एलिगेशन चाहिए, पहले मेरे ऊपर एलिगेशन करने का क्या असर मतलब है, पानी उधर एमआरसी का छुआ है, एमआरसी के पीछे हम लोग है, डे नाइट चलता है, वो एमआरसी का पानी का कॉर्पोरेशन हमारे कंट्रोल में रहता है क्या, मतलब ये अभी आप थाना में जो एमआरसी का पानी है तो कल्चर भी पानी चालू हो गया, आपको न्यूज में आपका तो डिटेल में आता है, कल्याण का मुझे देखो, उल्लासनगर में देखो, सब जगह एमआरसी एरिया में सब जगह प्रॉब्लम है कि उनका शटडाउन था, खैर जो भी हो, जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ महानगर पालिका को तत्काल जलापूर्ति का इंतजाम करना चाहिए ताकि नागरिकों को पीने के पानी के लिए आंदोलन के लिए न उतरना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।